कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं मैंने यह काम करना छोड़ दिया है, या मैं वह काम करना छोड़ दिया हूं, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है, वह स्मोकिंग करना छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहते हैं कोई इंसान किसी काम को करना छोड़ दिया है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। आपको शराब पीना छोड़ देना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड ब्रेक द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, यानी आपको शराब पीना छोड़ देना चाहिए। आपको झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड ब्रेक द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, आपको यह करना छोड़ देना चाहिए। यू शुड ब्रेक द हैबिट ऑफ डूइंग दिस, आपको वहाँ जाना छोड़ देना चाहिए। यू शुड ब्रेक द हैबिट ऑफ गोइंग देयर, अगर आपको कहना हो कि मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, तो आपका ये सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पर आप सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, आई ब्रोक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, I broke the habit of going there. मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, I broke the habit of telling a lie. मैंने गाली देना छोड़ दिया, I broke the habit of abusing. तो फ्रेंड्स, आपने यह सीखा कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें किसी आदत को छोड़ देना को बोलने के लिए आप ब्रेक द हैबिट ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कौन से हैबिट को छोड़ दिया है या कौन सी आदत को छोड़ने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।